आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल सूरत की स्ट्रीट स्टाइल अंडा कढ़ी। इसको बनाना काफ़ी सिंपल है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे को अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। ज़ीरा क्रैकल होने के बाद में अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से तेल के साथ में भून लेना है। उसके बाद में हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ में मिक्स करते हुए पका लेना है। उसके बाद में हम इसके अंदर नमक के साथ में कुछ पाउडर स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें है हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। और इन सबको डालने के बाद में अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। लगभग 2-3 मिनट के बाद में अब हम इसके अंदर अंडे का जो योग है जर्दी वो ऐड करेंगे। इसको मैंने कट करके इसका वाइट और येलो पार्ट अलग कर लिया था। अब जो इसका येलो पार्ट है, इसकी जर्दी, उसको मसाले के अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम ग्रेवी के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पानी ऐड करने के बाद में अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास में पोटैटो मैशर है, आप चाहो तो इसको चम्मच की मदद से भी मैश कर सकते हो। ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगा क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। जो प्याज और टमाटर है वो गल चुका है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मैश करने के बाद में अब हम अपना जो वाइट पार्ट है उसको भी, अपने जो अंडा कढ़ी है उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेना है। और उसके बाद में हमारी जो अंडा कढ़ी है वो बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है, तो इसको हमें अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए और पका लेना है। लगभग 4 मिनट के बाद में हमारी जो अंडा कढ़ी है वो बनके रेडी है। अब इसको गार्निश करेंगे कटी हुई हरी प्याज और धनिया के साथ में और अब हम इसको पाव के साथ में सर्व करेंगे। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।